मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि YouTube पर अर्निंग कैसे बढ़ाएं, या फिर बहुत ही कम पैसे बन रहे हैं YouTube से, AdSense रेवेन्यू से बात नहीं बन रही, तो क्या करें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप भी अपने YouTube चैनल से कैसे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप से। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर्स से बात करेंगे तो वो हमेशा यही सलाह देते हैं कि अपनी इनकम के सोर्सेस डाइवर्सिफाई करिए, मतलब एक ही इनकम सोर्स जैसे कि एडसेंस पर डिपेंड मत करिए। इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ऐसे में आप अपने वीडियोस के लिए स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं और अपफ्रंट पैसे लेकर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो बना सकते हैं। इससे होगा ये कि चाहे एडसेंस से इनकम हो या नहीं, आपको पहले से अपनी मेहनत के लिए पैसे मिल जाएंगे। वैसे तो कई जगह हैं जहां से आप पेड स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम फेमबिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस पर अकाउंट कैसे बनाएं, क्या ये सेफ है, पैसे कैसे मिलेंगे, और एंड में एक बहुत ही जरूरी बात, तो एंड तक देखते रहिए, फेमबिट का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए, ये है फेमबिट की वेबसाइट fembit.com। यहाँ जब आप पहली बार आते हैं तो आप एक नया अकाउंट बना सकते हैं। ऊपर है ज्वाइन नाउ का बटन, यहाँ पर देखिए क्रिएटर्स हैं और ब्रांड एजेंसीज। आप क्रिएटर पर क्लिक कर लीजिए। अब एक नया पेज खुल गया। आप यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप साइन अप विद यूट्यूब पर क्लिक कर लीजिए। आप वैसे अपने फेसबुक पेज या ट्विटर अकाउंट से भी कर सकते हैं साइन इन। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप पेइंग स्पॉन्सरशिप्स पाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, या फिर 5000 फॉलोअर्स आपके फेसबुक पेज पर या ट्विटर पर होने चाहिए। ये देखिए, साइन अप विद यूट्यूब पर क्लिक करके आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। अब अकाउंट तो बन गया, लेकिन क्या ये साइट सेफ है, सुरक्षित है? जी हाँ, फेमबिट को अब यूट्यूब, या यू कहूँ कि गूगल कंपनी ने खरीद लिया है। ये बिल्कुल जेन्युइन साइट है, तो आपको आपके बनाए वीडियोस के लिए पैसे समय पर मिल जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी स्पॉन्सरशिप्स इस समय यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप टेक कैटेगरी या गेमिंग का यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाकी कैटेगरीज के लिए स्पॉन्सरशिप्स थोड़ी कम ही हैं। अब क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेती हूँ। रिमेम्बर मी पर क्लिक करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर देखिए, ये फेमबिट में हम लॉग्ड इन हैं। यहाँ देखिए ऊपर है चैनल, अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो ये YouTube, Twitter, Tumblr, Facebook इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं कि आपको किस चैनल के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए। अब क्योंकि मैं YouTube के लिए कर रही हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं फिल्टर बाय कैटेगरी। फिल्टर बाय कैटेगरी पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेक है, गेमिंग एंड एप्स है, ब्यूटी एंड फैशन है, इस तरह बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। मैं टेक पर क्लिक कर लेती हूँ और अब आपको वही स्पॉन्सरशिप्स दिखेंगी जो टेक कैटेगरी के लिए वैलिड हैं। और फिर फिल्टर बाय प्राइस, आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपको किस प्राइस की स्पॉन्सरशिप चाहिए। लेकिन अगर आपका चैनल छोटा है तो आप इस बारे में अभी ज़्यादा चिंता मत करिए, आप ऑल ही रहने दीजिए। और फिर यहाँ पर है न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। यहाँ पर अक्सर ऐसी भी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं जो थोड़ी पुरानी होती हैं, इसलिए आप न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट ही रखिए। जो बिल्कुल नई यहाँ पर स्पॉन्सरशिप्स हैं वो इस तरह से आपको दिख जाएंगी। तो स्पॉन्सरशिप्स के लिए खुद अप्लाई करना होगा या वो हमें ऑफर्स करते हैं? इसका जवाब है दोनों। ये एक सेल्फ सर्विंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपको स्पॉन्सरशिप्स के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन कभी कभी ब्रांड्स भी आपको मेल करते हैं, इनवाइट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनाने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पर ऊपर ध्यान देंगे तो ये अवेलेबल के साथ है इनवाइट्स। इधर क्लिक किया
आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक इनविटेशन आया है और यहाँ पर मुझे उन्होंने कहा है कि वो $500 तक देने के लिए तैयार हैं। चलिए स्पॉन्सरशिप को अप्लाई करना सीख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये एक स्पॉन्सरशिप है और यहाँ पर इसकी कोई रेटिंग नहीं है और ये जो प्रपोजल है इसकी डेडलाइन है ये 214 दिन तक वैलिड है। अब अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक कर सकते हैं इस इनविटेशन पर, या फिर आप सेंड प्रपोजल पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर इस कैंपेन की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बताया है कि ये किस तरह का वीडियो इन्हें चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी फी डाल दीजिए और आप बता दीजिए कि आप किस डेट तक इस वीडियो को दे देंगे। और फिर यहाँ पर ट्विटर है, आप यहाँ पर भी डिलीवरी डेट डाल सकते हैं। डिटेल्स के अंदर देखिए, आप अपने प्रपोजल के अंदर डाल सकते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट डालेंगे, आप उसमें क्या क्या डालेंगे और आपका चैनल किस बारे में है, आपकी ऑडियंस कैसी है। और उससे होगा ये कि ब्रांड को पता चल जाएगा कि वो सही ऑडियंस को रीच कर रहे हैं या नहीं। लेकिन अक्सर जब आपको इनविटेशन आया होता है तो उन्होंने आपका ब्रांड या आपका जो चैनल है वो ऑलरेडी देख लिया होता है। तो इसलिए ये वाला जो सेक्शन है ये खासकर उन स्पॉन्सरशिप्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि आप खुद सबमिट करते हैं। और फिर यहाँ पर ये देखिए एक्सपायरी डेट है और उसके बाद आप सेंड प्रपोजल पर क्लिक करके इस प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो प्रपोजल है ये सिर्फ 2000 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाना चाहिए। तो आप इसे पहले से ड्राफ्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसे आप पेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसे मैं बंद कर देती हूँ। तो ये तो थी बात इनविटेशन की। वैसे आप अवेलेबल पर क्लिक करके और किसी को भी चुन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई गैजेट चुन लेती हूँ। अब यहाँ देखिए पावर डायरेक्टर 16, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, अक्सर वो इस तरह के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पर वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के ऊपर आपको $500 तक पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने पूरी की पूरी डिटेल्स दी हैं और ये आपको जो है एक फ्री डिजिटल कॉपी भी दे रहे हैं इस सॉफ्टवेयर की। तो आप चाहें तो आप सेंड प्रपोजल पर क्लिक करके और यहाँ पर अपनी फी, डिलीवरी डेट और प्रपोजल की सारी डिटेल्स डाल करके सेंड प्रपोजल पर क्लिक कर सकते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो प्रपोजल है इसकी डेडलाइन 2 महीने के अंदर अंदर है, तो इसलिए आपको ये डेडलाइन के अंदर अंदर सबमिशन करना होगा। अब अगर आपका एप्लीकेशन पढ़कर किसी ब्रांड को आपका प्रपोजल पसंद आता है तो वो आपको वापस मैसेज करेंगे। हो सकता है कि वो आपसे पैसे के मामले में थोड़ा नेगोशिएट भी करें, तो आप सही सही प्राइस कोट करिए, ना ज़्यादा और ना कम। देखिए एक जनरल रूल ऑफ थंब तो ये है कि अगर आपके 5 लाख सब्सक्राइबर से कम हैं तो आप $250 से $500 चार्ज कर सकते हैं। यही रेट एशिया या इंडिया में अक्सर देखा गया है। पर पैसे कैसे मिलेंगे? यहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स हैं, आइए आपको दिखा देती हूँ। ये हैं अवेलेबल पे आउट मेथड्स और ये हर कंट्री में सेम नहीं हैं। आप डायरेक्ट डिपॉजिट ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर आप पेपैल से पेमेंट ले सकते हैं और USA में तो आप चेक से भी पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप वायर ट्रांसफर से पैसे लेते हैं तो फिर आपका स्पॉन्सरशिप मिनिमम $100 का होना चाहिए और उसमें से $15 कट जाएंगे। अब जाने से पहले दो ज़रूरी बातें। पहली बात तो ये कि आप यहाँ पर कोलैबोरेशन के लिए दूसरे यूट्यूबर्स या डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को खोज सकते हैं। अगर आप खुद कोलैबोरेशन पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। आइए देख लेते हैं। यहाँ ऊपर देखिए स्पॉन्सरशिप्स के आगे यहाँ है कोलैब्स। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन कोलैबोरेशन के लिए फिलहाल अवेलेबल हैं। आप यहां पर जेंडर चूज कर सकते हैं, एज चूज कर सकते हैं और कंट्री भी चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर कंट्री में इंडिया डालकर देखते हैं किस तरह के यहां पर कोलैबोरेशन अवेलेबल हैं। ये देखिए यहां पर आपको बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे और वो लोग जो कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहां से कोलैबोरेशन करें, आप यहां से देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए आपको रीच भी दिख रही है, यानी कि कितना बड़ा ये चैनल है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये तो थी ऑडियंस कंट्री, और दूसरी है क्रिएटर कंट्री। आप क्रिएटर कंट्री में दोबारा से इंडिया डाला, ये ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया ही डालें, अगर आपका चैनल इंग्लिश में है तो आप कोई और कंट्री भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने टेक डाल दिया, तो इधर मुझे बहुत सारे चैनल्स दिख रहे हैं और कई तो काफ़ी बड़े भी हैं, तो आप इनमें से किसी को भी रिक्वेस्ट कोलैब के बटन पर क्लिक करके और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं। और एंड में सबसे ज़रूरी बात, अगर आप वीडियो बनाने के लिए स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो उसे डिस्क्लोज करना मत भूलिए। YouTube के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपको बताना ही पड़ता है कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है। आइए आपको अपने चैनल पर एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ स्पॉन्सर्ड वीडियो का। ये देखिए, ये है एक वीडियो जिसमें मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी फेमबिट से। अगर मैं नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करती हूँ तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पर डाला है दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्राफिक स्टॉक। तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने लाइन डाली है। और दूसरी बात, एडवांस सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे एक चेकबॉक्स है, ये है कंटेंट डिक्लेरेशन, और इसके अंदर यहाँ पर आपको टिक करना है जहाँ लिखा है दिस वीडियो कंटेन्स पेड प्रमोशन सच एज पेड प्रोडक्ट प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप्स और एंडोर्समेंट। अगर आप ये नहीं डिस्क्लोज करते तो आपको इसके लिए भारी पेनल्टी पड़ सकती है और आपका वीडियो डीमोनेटाइज हो सकता है या स्ट्राइक भी मिल सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिए। USA में ये FTC गाइडलाइंस के हिसाब से ज़रूरी है। तो देखा आपने, फेमबिट से आप अपने इन्फ्लुएंस को मोनेटाइज कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप लेकर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है आप YouTube से और भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। वीडियो पसंद आया तो YouTube पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।